बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 2 मई 2022 और दिन है पीर का, सोमवार का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से ईद उल फितर 2022 मुबारक हो। आज यकम शवाल 1443 हिजरी है। आपको ईद मुबारक हो, आपके जितने भी दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त या फिर आपकी तमाम फैमिली को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला करे कि आपने जितनी भी इबादतें माह रमज़ान में की हैं, अल्लाह ताला उन सब को कबूल और मंजूर फरमाए। और आज ख़ासकर उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही एक खुशी का दिन है जिन लोगों ने भी 30 रोज़े रखे और उसके बाद में जो ईद उल फितर है वो मना रहे हैं। उनके जो अंदर दिल के अंदर खुशी होगी वो देखी नहीं जा सकती, वो समाई नहीं जा सकती। जिन लोगों ने भी 30 रोज़े मुकम्मल रखे और उसके बाद में आज का जो दिन है ईद उल फितर है और वो नमाज़ पढ़ेंगे तो उस वक्त उनका दिल कुछ इस तरह से होगा जैसे एक गुलाब का फूल है और वो खिलता है और बिल्कुल निखरे निखरा सा लगता है। तो अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादतें और आपकी तमाम फैमिली की और आपके तमाम दोस्तों की इबादतें कबूल और मंजूर फरमाए। और जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, हमसे बिछड़ चुके हैं, पिछली ईद पर मौजूद थे और इस ईद पर हम में मौजूद नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। और जो भी इस वक्त मरीज़ हैं, बीमार हैं, किसी भी बीमारी के हों, अल्लाह ताला उन सब को जल्द से जल्द शिफा याब करे। और नमाज़ पढ़िए तो हमारे हक़ में भी दुआ ज़रूर कीजिएगा और फितराना के साथ साथ अपने जो आसपास हैं उनका भी ज़रूर ख्याल कीजिएगा। देखें कोई जो माड़ा है जिसके पास पैसे कम हैं, थोड़े हैं, तो जो फितराना है उन्हें भी ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए भी हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। जल्दी कीजिए, उठें और नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।